हेलो दोस्तों, आपको सुभलाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आज 11 अगस्त 2023 आज की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है मंजूषा अजय देशपांडे। यानी मंजूषा अजय देशपांडे को बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मंजूषा अजय देशपांडे। और बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश देविकीनंदन हैं। सुनीता अग्रवाल ये गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। जितेंद्र देसाई ये केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। अशुभाशीष तलपात्र अभी हाल ही में ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है विजय कुमार सरावत। यानी विजय कुमार सरावत को क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, विजय कुमार सरावत। राकेश पाल ये भारतीय तटरक्षक बल के निर्देशक हैं। सतपाल भानु ये LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हैं। अभिजीत चक्रवर्ती ये SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के MD एंड CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने किसे अतिरिक्त गैर कार्यकारी महिला स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? और इसका सही आंसर है पल्लवी जोशी बाखरू। यानी पल्लवी जोशी बाखरू को हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने अतिरिक्त गैर कार्यकारी महिला स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पल्लवी जोशी बखरू। रवनीत कौर ये कौन है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। पुनीत चंदोक ये माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और दक्षिण एशिया के नए कॉरपोरेट अध्यक्ष हैं। और गणेशन कन्नाबीरन ये हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण यानी नेक के निर्देशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया ने सब जूनियर महिलाओं की टीम के लिए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? और इसका सही आंसर है रानी रामपाल। यानी हॉकी इंडिया ने रानी रामपाल को सब जूनियर महिलाओं की टीम के लिए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रानी रामपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया ने सब जूनियर पुरुष टीम के लिए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? और इसका सही आंसर है सरदार सिंह। यानी सरदार सिंह को हॉकी इंडिया ने सब जूनियर पुरुष टीम के लिए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सरदार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल लालीगा के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है रोहित शर्मा। यानी रोहित शर्मा को लालीगा के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब पुलिस के किस अधिकारी को कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ साथ समाज की सेवा करने के लिए मुख्यमंत्री पदक से सम्मानित किया जाएगा? और इसका सही आंसर है भूपेंद्र सिंह सिद्धू। यानी भूपेंद्र सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री पदक से सम्मानित किया जाएगा। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी,
भूपेंद्र सिंह सिद्धू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? और इसका सही आंसर है अमित झिंगरान, यानी अमित झिंगरान को एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए अमित झिंगरान। निवृत्ति रॉय, ये कौन है? ये इन्वेस्ट इंडिया के एमडी एंड सीईओ हैं। साओ कुमार सिंह, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। और ललित कुमार गुप्ता, ये कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति यानी आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी में चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि का दर का अनुमान कितना प्रतिशत रखा है? और इसका सही आंसर है 6.5%। यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति यानी आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी में चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर का अनुमान 6.5 रखा है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी 6.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 शुरू की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं विधवा तलाकशुदा महिलाओं को मोबाइल और स्मार्टफोन देंगे, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य पूरे राज्यों में जाति आधारित सर्वेक्षण कर रहा है? और इसका सही आंसर है बिहार, यानी भारत का बिहार राज्य पूरे राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण कर रहा है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिशन लूना 25 किस देश के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? और इसका सही आंसर है रूस, यानी रूस के द्वारा मिशन लूना 25 लॉन्च किया जाएगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका में हेल्थ केयर विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है जयस सैनी, यानी अफ्रीका में हेल्थ केयर विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से जयस सैनी को सम्मानित किया गया है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए जयस सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्क बुद्धजी चावल का जीआई टैग किसे मिला है? और इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर, यानी मुस्क बुद्धजी चावल का जीआई टैग जम्मू कश्मीर को मिला है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 10 अगस्त, यानी 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए 10 अगस्त। अब करंट अफेयर्स रिवीजन में कल का करंट अफेयर्स यानी 10 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स को रिवीजन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? और इसका सही आंसर है सुभाषिस तोलपात्र, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी सुभाषिस तोलपात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में उपचार और राहत प्रदान करने के लिए
गठित सभी महिला पैनल के प्रमुख कौन है? गीता मित्तल। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गीता मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? और इसका सही आंसर है संग्राम सिंह। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संग्राम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदवेयर ने किसे उपाध्यक्ष और विपणन प्रमुख के रूप में नियुक्त करेगा? और इसका सही आंसर है अरुणिमा यादव। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अरुणिमा यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कजाकिस्तान में आयोजित एलोर्डा कप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? और इसका सही आंसर है 5 कांस्य पदक जीते हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 5 कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचएस प्रणय ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन 2023 के पुरुष एकल में कौन सा पदक जीते हैं? और इसका सही आंसर है रजत पदक। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रजत पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हाल ही में किस देश की यात्रा पर गए हैं? और इसका सही आंसर है ब्रिटेन। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल राज्यों के विधानसभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम बदलकर क्या रखने का आग्रह किया है? और इसका सही आंसर है केरलम। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केरलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने आयुष वीजा का नाम से एक नई वीजा श्रेणी शुरू की है? और इसका सही आंसर है गृह मंत्रालय। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा? और इसका सही आंसर है भारत। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? और इसका सही आंसर है मेरा माटी मेरा देश। यानी देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में मेरा माटी मेरा देश राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मेरा माटी मेरा देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्यों की विधानसभा में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया है? और इसका सही आंसर है केरल। यानी केरल राज्यों की विधानसभा में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 2023 में एससी एसटी और बीसी समुदाय की महिलाओं को वित्त सहायता देने के लिए गृहलक्ष्मी योजना 2023 शुरू किया है? और इसका सही आंसर है तेलंगाना। यानी तेलंगाना राज्य सरकार ने 2023 में एससी एसटी और बीसी समुदाय की महिलाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए गृहलक्ष्मी योजना को शुरू किया। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के चर्चित ऑस्कर पुरस्कार विजेता विलियम फ्रीडकिन का 87 साल की उम्र में निधन हो गया, इनका संबंध किससे था? और इसका सही आंसर है इनका संबंध फिल्म निर्देशन से था। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, निर्देशक। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।